छिंदवाड़ा लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से प्रत्याशी सांसद नकुलनाथ ने मंगलवार सुबह लगभग 11:20 पर स्थानीय जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व सांसद अलकानाथ और नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ मौजूद रही। नकुलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को पर्चा दाखिल किया है। इसके पहले सुबह ही उनके गृह निवास शिकारपुर में हनुमान मंदिर में पूरे परिवार ने पूजा अर्चना की और फिर नाथ परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के समक्ष उन्होंने अपना परिचय दाखिल किया। जैसे कि पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के प्रस्तावक बनने की चर्चाएं सोमवार को चल रही थी और यह बात भी सामने आ रही थी कि कमलनाथ ने उन्हें मना किया है, लेकिन नामांकन दाखिल करते समय पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना कहीं नजर नहीं है। नामांकन दाखिल करने के बाद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शाम टोके क्षेत्र से नामांकन रैली में शामिल होंगे और इसके बाद मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास स्थित सभा स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पारिवारिक संबंध है और छिंदवाड़ा की जनता पर मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वह सच्चाई का साथ देंगे। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे एक बार फिर इनकी सेवा करने का अवसर दे। सर, भाजपा अभिमन्यु के चक्कर में फंसाने की तैयारी कर रही है आपको सर नकुलनाथ जी को? देखिए, ये प्रेस वालों ने चलाया, भाजपा वालों ने चलाया। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।